फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहजहांपुर बरेली रूट के बारे में। इस बीच में जो दो रेलवे स्टेशन है रसुईया और बंथरा रेलवे स्टेशन, यहां पर एडिशनल लूप लाइन का निर्माण किया जा रहा है जिसके चलते नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा और इसी के कार्य के चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है, कई के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और इसके अलावा कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल करके चलाया जाएगा। तो बाकायदा हम आप लोगों को कैंसिल हुई ट्रेनों के बारे में बताएंगे, साथ में जो ट्रेनें डाइवर्ट हुई हैं उनके बारे में भी बता देंगे। कैंसिल हुई ट्रेनों के बारे में बात कर लेते हैं। वाराणसी से बरेली के बीच में चलने वाली ट्रेन निरस्त रहेगी, प्रयागराज से बरेली के बीच में चलने वाली ट्रेन निरस्त रहेगी, लखनऊ जंक्शन से चंडीगढ़ चलने वाली ट्रेन निरस्त रहेगी, लखनऊ जंक्शन से आनंद विहार चलने वाली, लखनऊ जंक्शन से मेरठ सिटी चलने वाली, वाराणसी से देहरादून के बीच में चलने वाली, प्रयागराज से सहारनपुर के बीच में चलने वाली, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली, डिब्रूगढ़ से लालगढ़ के बीच में चलने वाली, हावड़ा से देहरादून चलने वाली, इसके अलावा जो आपकी रोज़ा बरेली पैसेंजर ट्रेन है वो भी निरस्त रहेगी। साथ में डाइवर्टेड हुई ट्रेन के बारे में भी हम आप लोगों को बता देते हैं। शक्तिनगर सिंगरौली टनकपुर के बीच में चलने वाली ट्रेन डाइवर्ट हुई है, वहीं कानपुर से काठगोदाम, लखनऊ जंक्शन से काठगोदाम, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार, दानापुर से आनंद विहार और इसके अलावा जम्मू तवी से गुवाहाटी, जम्मू तवी से गोरखपुर, जम्मू तवी से भागलपुर, जम्मू तवी से हावड़ा, इन सभी ट्रेनों के जो रूट हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। हम NER की ट्रेन के बारे में बता देते हैं, जो आपकी ये त्रिवेणी एक्सप्रेस है, कानपुर काठगोदाम है, लखनऊ जंक्शन काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन है। इन ट्रेनों को वाया शाहजहांपुर पीलीभीत होते हुए चलाया जाएगा, वहीं जो काठगोदाम जाने वाली ट्रेन है उसको वाया भोजीपुरा होते हुए भी निकाला जाएगा, यानी कि शाहजहांपुर पीलीभीत भोजीपुरा होते हुए वो काठगोदाम तक जाया करेंगी। तो इस तरह से आप ये मान के चल सकते हैं जो आपका पीलीभीत शाहजहांपुर रूट है तो इस पर कुछ ट्रेनों के डाइवर्ट होने का लाभ मिलेगा इस सेक्शन पर रहने वाले लोगों के लिए। हालांकि बीच में बीसलपुर या निगोही पर स्टॉप रहेगा या नहीं रहेगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, फिलहाल आप ना मानकर चलिए। तो डाइवर्ट होने के कारण इन ट्रेनों को इस रूट से गुजारा जाएगा कुछ दिन के लिए ही, और आप लोग जब भी कभी यात्रा करें तो अपना गंतव्य स्टेशन जहां पर आप उतरना चाह रहे हैं और जहां से यात्रा करना चाह रहे हैं उस स्टेशन को जरूर देख लीजिएगा यात्रा करने से पहले। तो रसुईया रेलवे स्टेशन, बंथरा रेलवे स्टेशन पर एडिशनल लूप लाइन का निर्माण किया जा रहा है जिसके चलते प्री NI और NI का काम किया जाना है। तो कैसा लगा आप लोगों को दी हुई जानकारी का वीडियो? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।